हे भगवान, मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देना, बहुत सक्सेस देना लाइफ में, और क्या मांग सकता हूँ। और कोई सुंदर सी, अच्छी सी, प्यारी सी, लविंग गर्लफ्रेंड हो तो वो भी दे देना, ज़्यादा नहीं मांग रहा। व्हाट्स अप फक फेसेस, माय नेम इज पुलकित, सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट, बट एनीवेज, व्हाट्स अप गाइस, फ्रेंड्स, फैमिली, माई डियर फ्रेंड्स, फक, ये तो स्कूल की याद आ, स्कूल में असेंबली में ऐसे ही बोलते थे ना, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। एनीवेज, इग्नोर। तो मैं कह रहा था कि मैं पूरी की पूरी वीडियो ये हुडी पहन के शूट करने वाला हूँ, बिकॉज इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे को हेयर कट कराने के लिए जाना था, बियर्ड ट्रिम कराने के लिए जाना था, जो कि मैं नहीं गया, बिकॉज आई एम सो फकिंग लेजी, बहुत ही आलसी हूँ। बट मैं इस वीडियो के लिए स्पेशली नहाने गया, और मेरे को नहाते हुए रियलाइज हुआ कि तुम लोग कैमरे के पीछे से स्क्रीन के पीछे से मैं वीडियो नहीं बना सकता। तुम लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैं नहा के आया हूँ या नहीं नहा के आया? तो नहाते हुए जब मेरे को ये रियलाइज हुआ, तो मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा डम्ब हूँ। बट एनीवेज, मेरे को प्लीज इस वीडियो के लिए जज मत करना, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट। सो प्लीज़ मेरे को इस वीडियो के लिए जज मत करना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन विद यू गाइस, मतलब पहली बार अच्छे से फेस शो करके तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, इसलिए मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वियर्ड तो नहीं लग रहा, बिकॉज पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, और अब मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ बिकॉज मैं पागल हो चुका हूँ, और अब शायद तुम लोग स्माइल कर रहे होगे या फिर तुम लोग मेरे को बहुत ऑकवर्ड समझ रहे होगे, और ये सब मैंने एक ही सांस में बोल दिया। Anyways, let's not waste any more time with all the bullshit I'm saying, and let's just get right into the video. So, in this video, we're gonna talk about how to change this photo into this picture. Photo into picture. You. How to edit this picture and make it look like this picture. तो इस वीडियो के अंदर मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है, बट ये पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट या क्या कहते हैं सेम मेथड तुम लोग अपने फ़ोन पे कर सकते हो, दोनों का पूरा इंटरफेस ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले, ऐप्स यूज़ करने वाले, वो मैं आपको बताता हूँ, फोटोशॉप फिक्स, फोटोशॉप मिक्स, अडोब लाइटरूम फॉर मोबाइल, क्विक शॉट और लेंस डिस्टॉर्शन। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले हम फोटोशॉप फिक्स यूज करेंगे फोटो के अंदर से जितनी भी सुंदर मछलियां, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स जितने भी है उन सबको हटाने के लिए। फिर सेकेंड आएगा हमारा लाइटरूम, लाइटरूम के अंदर हम प्रीसेट सप्लाई करेंगे, अप्लाई कुछ नहीं हो सकता मेरा, लाइटरूम में हम प्रीसेट्स अप्लाई करेंगे, वो प्रीसेट्स मैंने खुद बनाए हैं, अगर आप लोग उनको बाय करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। Anyways, let's just get back to the video. तो जब हम Lightroom में कलर ग्रेडिंग कर लेंगे या फिर कलर करेक्शन कर लेंगे हम पिक्चर का, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसमें हम फोटोशॉप मिक्स यूज करेंगे, जिसके अंदर हम ऊपर पानी की लेयर ऐड करेंगे और ऊपर एक स्काई ऐड कर देंगे। जब हम वो कर लेंगे तो हम क्विक शॉट खोलेंगे, एनलाइट क्विक शॉट, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा स्काई रिप्लेस कर देंगे, अच्छा स्काई, सनसेट वाला या कोई भी एस्थेटिक स्काई लगा देंगे। जब स्काई भी रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद हम लेंस डिस्टॉर्शन यूज करेंगे, जिसके अंदर से हम सन फ्लेयर्स या फिर कोई भी मतलब अच्छी सी सनलाइट की रे, कुछ भी अच्छा सा ऐड करेंगे, और उसके बाद डन। ये बिल्कुल ईजी है, जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई पेंसिल, और मैंने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी थी, शायद वो आने वाली है, बाकी का ट्यूटोरियल मेरे साथ गार्लिक ब्रेड खाते हुए। जिसको जेलस होना है कि मेरे पास यम्मी फूड है तो वो हो सकता है, बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। तो हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप फिक्स है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी फोटो इम्पोर्ट कर रखी है। हाँ, तो सबसे पहले हीलिंग टूल यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम स्पॉट हील यूज़ करके अपनी फिंगर से या पेंसिल से इन सुंदर मछलियों को ऐसे ऐसे करके गायब कर देंगे, टोटली वैनिश, कूल। उसके बाद ये दो जो सुंदर लड़कियाँ रह गई, सॉरी मछलियाँ, लड़कियाँ नहीं, ये जो दो सुंदर मछलियाँ रह गई इनको भी हम हटा देंगे ऐसे ऐसे करके, फिर दूसरी वाली को भी हटा देंगे। ओ वेट,
हमने इसको लंगड़ा कर दिया, शार्क इसके पैर खा गई. आई एम नॉट फनी, बोलिए तुम बिल्कुल फनी नहीं है, देखो जोक्स मारने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए. ओके, तो जब ये दोनों मछलियाँ हट, तीनों मछलियाँ हट गई, यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑकवर्ड रिफ्लेक्शंस रह गई हैं इनकी, जिनका हमें कोई अभी कुछ नहीं करना है इनका, ठीक है? ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, मैं इसका स्टेप आगे बताऊँगा कि इनको कैसे फोटो से गायब करना है. पहले इस गंदे सुअर को गायब करते हैं. यार मैं कितना सेक्सिस्ट हूँ, लड़कियों को सुंदर मछलियाँ और एक लड़के को गंदा सा सुअर. मैं भी लड़का हूँ यार, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. हाँ, तो एनीवेज, जब ये फोटो ऐसे हम सब गायब कर चुके हैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, हम इनको सेव टू कैमरा रोल कर देंगे. दिस डज नॉट नीड टू बी वेरी परफेक्ट, हम बाद में इसको ठीक कर देंगे बहुत इजीली. सेकंड स्टेप आता है कर्ली ब्रेड को खाना, जस्ट लाइक आई एम सॉरी बट आई एम रियली रियली हंग्री. एक और बात, पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे हम, थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे. तो अगर तुम लोग दिल्ली में रहते हो और तुम्हें NSP में बिलूज हट पता है, तो ओ माय गॉड, उसका पास्ता और गार्लिक ब्रेड प्योर फूड और क्या समय भाई, प्योर फूड और क्या समय. फिर लाइट रूम ओपन करेंगे, लाइट रूम के अंदर जब हम इस फोटो को इम्पोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर प्रीसेट्स अप्लाई करेंगे. मैंने जो किया था वो एटलांटिस था, मुझे याद नहीं वो एटलांटिस 1 था 2 था या 3 था, लेट्स जस्ट ट्राई. एटलांटिस 1 तो नहीं लग रहा, एटलांटिस 2 भी नहीं होगा, यप नहीं है, एटलांटिस 3 था फाइनली. उसके बाद अब हम इस फोटो के अंदर जितनी रिफ्लेक्शन है इनको कम करने के लिए फोटो का एक्सपोजर एकदम कम कर देते हैं, यप बिल्कुल यहीं पे. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सब तो डार्क हो गया, बट इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है. यहाँ पे होता है एक सिलेक्टिव एडिट्स के लिए ऑप्शन, वहाँ से एक ग्रेडियंट या ग्रेजुएटेड मास्क को हम लगा देंगे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो भी सर्कल वाला होता है उसको हम यहाँ पे बहुत स्मूथली ऐड करेंगे, ध्यान से करना है. और फिर इसके अंदर की लाइट हम इंक्रीज कर देंगे ऐसे, बट एकदम फेक ना लगे इसके लिए थोड़ा इसको फैलाएंगे. अभी भी फेक लग रहा है तो हम नॉर्मल यहाँ से डन कर देते हैं, क्योंकि लाइट तो ठीक है. डन करने के बाद यहाँ पे डिटेल के अंदर जाके शार्पनिंग वगैरह, ठीक है, इफ़ेक्ट्स में जाके क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और टेक्सचर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं टेक्सचर बहुत हल्का सा. जब ये सब हो गया है ऑलरेडी हमारी फ़ोटो बहुत, ओ माय गॉड, बहुत बेटर लग रही है. तो इसके बाद जब हमने सिलेक्टिव एडिट्स भी कर लिए, अब लास्ट हमारे पास जो स्टेप रहता है लाइट रूम के अंदर, हम लोग जाएंगे ऑप्टिक्स में और रिमूव CA करेंगे ऑन और इनेबल लेंस करेक्शंस भी ऑन. इससे क्या होगा, फोटो जो है वो बहुत वॉर्प हो जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि दूर से ली गई है और बहुत वाइड एंगल लेंस है. कूल, इसको अब हम सेव कर देते हैं, सेव टू कैमरा रोल मैक्सिमम अवेलेबल. तो अब लाइट रूम का काम खत्म हो चुका है, हम फोटोशॉप मिक्स को ओपन करेंगे, देन यही पिक्चर हम खोलेंगे. और अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से इमेज ऐड करेंगे. मैंने एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखी थी जिसके अंदर वाटर का पूरा एक लेयर था और ऊपर स्काई था, जो GoPro से ली गई थी. GoPro के आगे अब माउंट होता है ऐसी फ़ोटोज़ के लिए लेने के लिए, पर वो मेरे पास नहीं था तो मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लिया. और अब हम इसको यूज़ करेंगे, पहले तो इसको ऐसे ले आते हैं और इसको इसके बराबर रखते हैं, इक्वालिटी विद आर सब्जेक्ट एंड दिस सुंदर मछली. फिर कटआउट में सब्ट्रैक्ट को याद से सब्ट्रैक्ट क्लिक करना है, टैप करना है, ऐड से तो गंदा हो जाएगा हमारा काम. तो सब्ट्रैक्ट को टैप करने के बाद हम बहुत तेज तेज इसको रिमूव कर देंगे. बट रिमेंबर कि जब ऊपर आएंगे तो ऊपर बहुत केयरफुली और आराम से हमें रिमूव करना है, वरना सारी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, जैसे मैंने कर दिया. बट कोई बात नहीं, अगर हो भी जाए तो इसको जूम करके ऐड पे टैप करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. बट इतना मैटर करेगा भी नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतना दिखेगा नहीं. अगर तुम्हें परफेक्शन चाहिए तो अच्छे से करना, मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ. ओके, इसको डन कर देते हैं. डन करने के बाद हम इसको एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे ला देते हैं ताकि रियल लगे, बट रियल नहीं लग रहा बिकॉज एक तो इक्वल नहीं और यहाँ से गायब है थोड़ा सा,
वापस कटआउट में जाके ऐड करेंगे ये वाला पार्ट. ओके यहाँ से भी करना पड़ेगा. कूल, ज़्यादा परफेक्शन नहीं चाहिए इसमें. अब इसको हम ब्लेंड वगैरह कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें करना है तो ट्राई कर लेना, बट मेरे को नहीं लगा था ज़रूरी तो मैंने नहीं यूज़ किया. ओके परफेक्ट, इसको हम सेव कर देते हैं कैमरा रोल के अंदर. कूल कंप्लीट. ओके अब कैमरा रोल में जाके इसको अपनी फ़ोटोज लाइब्रेरी में जाके साइड जो है क्रॉप कर देना, वरना बहुत ही वियर्ड लगेगी फ़ोटो. तो अब हम जाएंगे क्विक शॉट के अंदर. क्विक शॉट में जाके हमें ये फ़ोटो खोलनी है और यहाँ से स्काई को रिप्लेस करना है. तुम देख लेना तुम्हें जोन सा भी स्काई सही लगे. मेरे को तो, मैं तो जनरली क्या करता हूँ कि यहाँ से एक ही लेता हूँ. इसके बाद सबसे पहले तो एम्बियंट को एकदम ज़ीरो कर देना ताकि ऊपर के कलर्स नीचे अफेक्ट ना करें फ़ोटो को. उसके बाद मैं बस इधर उधर खेलता रहता हूँ इन सारी सेटिंग्स से. शिफ्ट से मैं क्लाउड्स को शिफ्ट कर सकता हूँ. डिटेल से जितना शार्प मेरे को चाहिए स्काई उतना शार्प हो सकता है, बट आई थिंक इतना सही है. रैंडमली पूरा स्काई का वो चेंज हो सकता है. तो जब तुम लोग अपना स्काई सिलेक्ट कर लो, लेंस डिस्टॉर्शन पे जाना. और लेंस डिस्टॉर्शन में जाके सबसे पहले सनलाइट ऐड करूँगा मैं, तो कोई अच्छी लगेगी तो ठीक है. सर आई थिंक इट डज लुक गुड. यप. इसके बाद एक चीज़ और ट्राई करते हैं. अगर हम नीचे यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऐड कर देंगे तो शायद अच्छा लगेगा. ये वाला नहीं, ये ऐड करेंगे. थोड़ा और अच्छी लुक देगा फोटो. कूल. तो हमारी फ़ोटो अब काइंड ऑफ रेडी है. इसको हम सेव कर देते हैं. सेव इमेज डन. तो ये इतना सिंपल था. कहाँ से कहाँ ले आए हम पूरी की फ़ोटो को. तो अब हम बात करते हैं प्रीसेट्स की, राइट. पहले तो यार बहुत ही पागल हूँ मैं, तो भूल ही गया कि मैं पूरी वीडियो होडी में शूट करने वाला था. शिट. पर अब कोई बात नहीं, मैं दोबारा शूट नहीं करूँगा. मेरे को खाना खाने में बहुत भूख लग रही है. प्रीसेट्स की बात करते हैं. पहले तो ट्रेलर चलाता हूँ पूरा का पूरा प्रीसेट्स का. हेयर इट इज. सो इस प्रीसेट्स के पैक के अंदर पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 50 प्रीसेट्स होंगे जो लाइटरूम मोबाइल और लाइटरूम डेस्कटॉप दोनों पे वर्क करेंगे. और इसमें इंस्टॉलेशन गाइड फ़ोन का जो है वो इंक्लूडेड है. पूरी एक वीडियो ट्यूटोरियल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे प्रीसेट्स को इंस्टॉल करना अपने लाइटरूम मोबाइल के अंदर, जो कि बहुत ईजी है. ये बहुत कूल फिल्टर्स हैं जो मैंने बनाए हैं. प्रीसेट्स आई मीन फिल्टर्स, एक ही बात है. ये प्रीसेट्स सबके लिए हैं, लिटरली फूड ब्लॉगर्स जिनको अपनी फीड मैनेज करनी है और जिनकी बहुत आर्टिस्टिक फीड होती है, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स, सबके लिए है. इनके धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स आएंगे, जैसे मैंने अभी एक ट्यूटोरियल दिखाया. सिर्फ प्रीसेट अप्लाई भी कर सकते हो और अगर तुम्हें और ज्यादा खेलना है फोटो के साथ तो जैसे मैंने अभी करा प्रीसेट अप्लाई करने के बाद वो भी कर सकते हो. सो हाउ डू यू बाय देम? मैंने सोचा कि इनको पहले तो की वेबसाइट पे रिलीज करूँ, बट वेबसाइट पे सेल करने के लिए पर मंथ $30 पे करने पड़ते हैं विक्स पे. तो आई वाजंट लाइक, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं $30 मतलब 2000 रुपये पर मंथ नहीं दे सकता. तो इससे बेटर ऑप्शन आया मेरे पास कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इन प्रीसेट्स को पेटीएम, पेपाल और गूगल पे से पेमेंट एक्सेप्ट करूँ और इनको व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, गूगल डॉक्यूमेंट लिंक्स बना के
भेज दूँ. दैट्स अ गुड आइडिया. उससे व्हाट्सएप पे तुम लोग एक ग्रुप के अंदर ऐड भी हो जाओगे, जिससे तुम लोग अपनी प्रीसेट्स यूज करके जितनी भी फोटोज एडिट करोगे शेयर कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो. और इस ग्रुप में मैं पर्सनली भी हूँगा, तो दैट वुड बी ग्रेट. और इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन सारी जितनी भी है वो सारी की सारी मेरे इंस्टाग्राम के जो अभी ये जो ऐड दिखाई है उस पोस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी. तो गो चेक इट आउट. हेयर इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. कीप क्रिएटिंग एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बाय.